बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज शनिश्चरी अमावस्या है, जैसा कि आप सबको पता होगा, तो हम लोग वही जा रहे हैं शनिश्चरी अमावस्या पे, शनि धाम जा रहे हैं। तो ये देखिए हम सिटी से जा रहे हैं, थोड़ा महान है वो, तो साथ में हमारी माता जी की है, परिवार के बच्चे साथ में हमारे परिवार के बच्चे हैं और पूरा परिवार हमारा है, और आज शनि धाम के दर्शन करेंगे, शनि धाम पे मन भगवान के। इस वजह से हमारे यहाँ देखिए रोड पर कितना ट्रैफिक भी हो रहा है, क्योंकि जनता दर्शन करने के लिए, शनि भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर है, और वो चाह रही है कि हम लोग जल्दी से दर्शन कर लें शनि भगवान के आज। और वहाँ पे हम लोग पहुँच के आपको आपको भी दर्शन कराएंगे, तो देखते हैं। तो आप लोग जरा देखिए, सिटी के बाहर हम लोग आ चुके हैं, बस थोड़ा आप इंतजार करिए, हम लोग शनि मंदिर पहुँचने वाले ही हैं, जो कि इंतजार का फल मीठा ही होता है, इसकी बहुत मान्यता है। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर से, फिर हम आपको भी दर्शन करा देंगे। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जे हम पहुंच चुके हैं शनि धाम, इसकी बहुत मान्यता है, जे विदिशा जिले के गंजवासुदा में पड़ता है जे शनि धाम, इसकी अपनी एक अलग ही मान्यता है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं, जो थाली में प्रसाद मिलता है, जो शनि मंदिर में चढ़ाया जाता है, जैसे तेल, लोहा, फूल और प्रसाद। तो ये हम थाली लेकर जा रहे हैं, और शनि मंदिर जहाँ पे शनि देव भगवान की मूर्ति रखी हुई है, देखिए जे हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं, और ये श्रद्धालु यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये शनि धाम मंदिर है, श्री शनि धाम शक्ति धाम जे लिखा हुआ है, और यहाँ शनि देव की आरती भी लिखी हुई है, शनि देव की आराधना यहाँ पर की जाती है। तो ये श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और जैसे ही हमारी बारी आएगी तो हम भी अंदर प्रवेश करेंगे और शनि भगवान के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आप देखिए, बस हम पहुंचने वाले हैं अंदर। तो जो देखिए, जी हम आपको थोड़ी लाइन बता देते हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित थी, और श्रद्धालु आते हैं, और जैसा कि आप सबको पता है आज शनिश्चरी अमावस्या है, तो इस दिन का भी एक अपना अलग महत्व बन जाता है। तो अब हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो ये हम अंदर आ गए हैं, ये शनि भगवान के आप भी दर्शन कर लीजिए, इनकी बहुत मान्यता है, और यहाँ पर पहुँचने से हर बिगड़े काम पूरे होते हैं, और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और कुछ विशेष राशियों में भी इनका अलग महत्व है। तो आप भी दर्शन लाभ लें, और जे नारियल रखे हुए हैं इधर, और तेल भी चढ़ावा हो रहा है, और फूल मालाओं से भी इनको स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद अगरबत्ती भी लगाई जा रही है, और इन्हीं के बगल में एक और शनि मंदिर है, यहाँ पर भी हम पहुँच गए हैं, बगल में ही मूर्ति रखी हुई है, तो वहाँ भी शनि देव की मंदिर है, तो वहाँ भी हम पहुँचे हैं, और उनका भी दर्शन किए गए हैं, उनके भी आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये शनि मंदिर के मैंने दर्शन करा दिए हैं, यहाँ पे और भी मूर्तियाँ हैं देवी माँ की, देखिए और भी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए और धर्म लाभ लीजिए। और दोस्तों, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, बच्चे भी पूजा पाठ करवा रहे हैं, और जो देखिए पंडित जी उनके हाथ में आठी बांध रहे हैं, और
बच्चे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। इनके बाद हम आ गए हैं दरबार, रामदेव बाबा का दरबार में। तो रामदेव बाबा का दरबार भी के भी हम आपके दर्शन करा देते हैं। ये भी वहीं पर स्थित है, थोड़े पास में ही। तो यहाँ पर भी देखिए, ये रामदेव बाबा हैं, ये वो रामदेव बाबा की। और ये मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ के भी आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।